हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो भी बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, इग्नू से स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर BCOC 131 से लेकर के 136 तक ऑलरेडी वीडियोज अपलोड हो चुकी है। एटलीस्ट एक एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। 137 कर रहा हूँ, सारे के सारे प्लेलिस्ट में बना दूंगा, एक सेक्शन बना दूंगा बीकॉम न्यू के नाम से, जहाँ पे बीकॉम के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं सबका एक इंडिविजुअल प्लेलिस्ट होगा। वहां पे मैं वीडियोज को ऐड करता रहूंगा ताकि आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से कर सको उन सारे वीडियोज को वॉच करके। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो होने वाला है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कंपनी क्या होती है और कंपनी के क्या फीचर्स होते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। अगर आता है तो प्लीज इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उसके पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। सो BCOC 137 कंपनी अकाउंट, ये देखो ब्लॉक वन है। ब्लॉक वन में टोटल चार सब्जेक्ट्स हैं आपके, चार पेपर्स हैं, क्या बोल रहा हूं मैं भी, चार लेसन्स हैं। सबसे पहला जो लेसन है हमारा यूनिट वन, हम इंट्रोडक्शन इस वाले वीडियो में करेंगे। यूनिट वन का एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, पूरा तो नहीं कर पाएंगे, है ना? तो करते हैं फिर। तो मीनिंग ऑफ कंपनी हम करने वाले हैं और फीचर्स, स्पेशल फीचर्स ऑफ अ कंपनी, ये हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, हाईलाइट करते हुए चलेंगे। तो ऑलरेडी मैंने कंपनी स्टॉक, कंपनी के बारे में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, फिर से देख लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ कंपनी एज अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिगेन विद द इनएक्टमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1913। तो जो कंपनी का जो एक तरीके से आइडिया होता है वो स्टार्ट हुआ था 1913 में, जब जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट को पास किया गया। इसके बाद से एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी या फिर किस तरीके से एक कंपनी काम करती है, इसके बारे में एक ब्रॉड आइडिया जो है लोगों को हो गया था। इन इंडिया सम कंपनीज केम इन टू एग्जिस्टेंस बाई स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, फॉर एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ETC, है ना? तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी थे जो कि एक स्पेशल एक्ट के तहत उनको बनाया गया, है ना? जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इनको एक एक्ट के तहत, एक कानून के तहत जो है तैयार किया गया है। सच टाइप ऑफ कंपनीज आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी कंपनीज एंड नॉट गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट। अब ये इस तरह की जो कंपनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट्स काइंड ऑफ कंपनी आप बोल सकते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इट्स अ काइंड ऑफ कंपनी एज वेल, जो कि आप बोल सकते हो। तो ये जो कंपनीज होती हैं, ये एक तरीके से स्टैट्यूटरी कंपनीज होती है, मतलब गवर्नमेंट कंपनीज होती है जिनको कानून के तहत बनाया गया है, ना कि किसी कंपनीज एक्ट के तहत बनाया गया। तो इनका जो काम करने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है बिल्कुल भी। ठीक है, प्रेजेंटली फॉर्म फॉर्मेशन फॉर बाइंडिंग अप ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ कंपनीज ऑल एस्पेक्ट्स आर गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 2013। तो अभी के टाइम पे मैं एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, अभी के टाइम पे जितनी भी कंपनी बनती है, फिर जितनी भी कंपनी वाइंडिंग अप होती है, मतलब बंद होती है, उन सारे के सारे कंपनी को जो है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ही उनको स्टार्ट या फिर बंद किया जा सकता है। हेयर वी विल डील विद द कंपनी, दोज कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3111 ऑफ कंपनीज एक्ट। अ कंपनी मींस, कंपनी क्या होता है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ, मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लूँ, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लूँ। अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एक्ट और एन एग्जिस्टिंग कंपनी। किसी भी कंपनी को अगर आप फॉर्म कर रहे हो, उसको रजिस्टर कर रहे हो कंपनीज एक्ट के तहत, तो वो कंपनी कहलाएगी। एंड एग्जिस्टिंग कंपनी मींस अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द प्रीवियस कंपनीज लॉस, है ना? तो जो प्रीवियस लॉज है कंपनीज लॉज, उसके तहत भी अगर कोई कंपनी बनती है तो उसको भी हम कंपनी कहेंगे या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी कहेंगे। जो रीसेंट कंपनीज एक्ट है वो है 2013 वाला, है ना? उसके तहत कोई कंपनी बनेगी तो भी वो कंपनी है, और अगर प्रीवियस कोई कंपनी लॉ के तहत कोई कंपनी बन रही है तो उसको हम एग्जिस्टिंग कंपनी कहेंगे। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं। डेफिनेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ, द डेफिनेशन गिवन इन द कंपनीज एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ द कंपनी वुड बी, क्या होगा, अ कंपनी मे बी व्यूड एज अ एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु कंट्रीब्यूट मनी और मनीज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक और यूज इट फॉर अ कॉमन पर्पस। ये इसका एक्चुअल डेफिनेशन है। एक कंपनी जो होगी वहां पे दो या दो से अधिक लोग आपस में मिल करके अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो है पैसे लगाएंगे या फिर पैसे के मूल्य का स्टॉक लगाएंगे, कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे और किसी एक पर्पस को पूरा करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे कंपनी। इट इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ, इसको एक लॉ के तहत बनाया जाता है ना? यहाँ देखो लिखा हुआ, इट इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन. इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन भी बोला जाता है. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, अ कंपनी हैज अ कैपिटल डिविजिबल इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स हैविंग अ कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी एंड अ कॉमन सील. अब इसके फीचर्स के बारे में यहीं पर ऑलरेडी आपको बता दिया गया कि ये जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, एक कंपनी की कैपिटल को डिविजिबल होता है, उसको आप डिवाइड कर सकते हो शेयर में, आप शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो, और कंपनी जो होती है वो लीगल एक एंटिटी होती है और उसका एक कॉमन सील होता है. ये सारी बातें आपको इसी में बता दी गई है, उसी को हम एक एक करके यहाँ पे करेंगे. द कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच कंपनी, इट इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. एक कंपनी जो होती है उसके मेंबर्स उसको बनाते हैं उस कंपनी को. लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेंबर्स का कंपनी के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता. कंपनी जो होती है मेंबर्स से बिल्कुल ही अलग होती है, बशर्ते चाहे उन्हीं ने क्यों ना बनाया हो, लेकिन जो मेंबर्स होते हैं वो कंपनी से अलग होते हैं, कंपनी मेंबर नहीं है, है ना. तो ये बात आपको याद रखना है. अब हम बात करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो कि होने वाला है स्पेशल फीचर्स ऑफ अ कंपनी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये थोड़ा सा लंबा होगा, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है वॉलंटरली एसोसिएशन. Persons who would like to form a company come together voluntarily for carrying out a business. Voluntary association का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है आपस में मिल करके अपने डिसीजन से जो है मिल करके एक कंपनी क्रिएट कर रहा है, एक बिजनेस क्रिएट कर रहा है जो कि वो लंबे समय तक उसको चलाने वाला है. ठीक है, पर्सन हु वुड लाइक टू फॉर्म अ कंपनी, पर्सन जो आपस में मिल करके कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं वो साथ में आते हैं वॉलंटरली और बिजनेस को कैरी आउट करते हैं. सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि एक कंपनी जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसका मेंबर्स का उनके साथ कुछ लेना देना नहीं होता है. अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट मींस दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी का जो एग्जिस्टेंस होता है वो अलग होता है कंपनी के मेंबर्स के साथ, और वो एक दूसरे से अलग ही होते हैं. अकॉर्डिंगली अ कंपनी कैन होल्ड परचेज एंड सेल प्रॉपर्टीज. कंपनी जो होती है, जैसे एक व्यक्ति सामान परचेस करता है, कंपनी आई मीन फर्नीचर परचेस करता है, लैंड परचेस करता है, उसी तरीके से जो कंपनी होती है उसका भी अपना पैन कार्ड होता है, उसकी भी अपनी इनकम होती है, वो भी सामान परचेस कर सकता है, आई मीन प्रॉपर्टीज को परचेस और सेल कर सकता है. तो कंपनी जो होता है वो एक आदमी की तरह होता है और उसका बाकी सारे मेंबर्स की तरफ जो है कोई योगदान नहीं होता, उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होता. कनेक्शन दूसरे तरह का होता है, बट एंटिटी वाइज कोई उनका ओनरशिप कंपनी के ऊपर नहीं होता है. ठीक है, इट कैन ओपन अ बैंक अकाउंट विद इट्स ओन नेम. जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी जो होती है अपने नाम पे एक बैंक अकाउंट स्टार्ट कर सकती है, और बैंक अकाउंट के लिए पैन कार्ड चाहिए, तो पैन कार्ड भी उनके पास हो सकता है. एंड इट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अदर्स इंक्लूडिंग इट्स ओन शेयर्स, है ना. और ये जो है अन्य लोगों के साथ या फिर जो कंपनी के मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके साथ ये मिल करके कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकती है. लिमिटेड लाइबिलिटी, ये अगला पॉइंट है हमारा फीचर्स में. इनफैक्ट दिस इज द मेन फीचर ऑफ कंपनी. किसी भी कंपनी का ये फीचर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. अ कंपनी मे बी अ लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी. एक कंपनी जो होती है या फिर तो वो लिमिटेड होती है बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी. जैसे कि कंपनी के 100 शेयर्स हैं तो वो 100 ही शेयर इशू कर सकती है, फिर 100 ही शेयर के बदले में मार्केट से पैसे उठा सकती है, फिर वो 100 ही शेयर को अपने ऑपरेटिंग इनकम में इस्तेमाल कर सकती है ऑपरेट करने के लिए, है ना. या फिर लिमिटेड बाय गारंटी, या फिर गारंटी के तहत वो चल रही है, लेकिन 100 से अगर उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो वो कंपनी कंपनी नहीं रहेगी, है ना. उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है कि इतना रुपए तक ही मैं आप लायबल हूँ, उसके बाहर मैं आपके लिए लायबल नहीं हूँ. तो जरूरी नहीं है कि 100 में 100 ही लायबल हो, 100 के 100 से 100 में अगर 100 लायबल हो जाएगी कंपनी तो उनको जो है दिक्कत हो जाएगी कंपनी को चलाने में, है ना. तो 60, 40, 30, 70 ऐसे करके जो है उनकी लायबिलिटी डिसाइड होती है. तो लायबिलिटी बाय शेयर्स होती है, लिमिटेड बाय शेयर होता है, या फिर लिमिटेड बाय गारंटी होता है. इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हिम, है ना. जो लायबिलिटी होती है लिमिटेड बाय शेयर्स में वो उतनी ही उनकी होती है जितना के अमाउंट का शेयर वो लोग आपस में रख रहे होते हैं. इन अदर वर्ड्स नो मेंबर इज बाउंड टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग मोर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स. कोई भी मेंबर अपने नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा, जो भी उनके शेयर की नॉमिनल वैल्यू है उससे ज्यादा वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता उस कंपनी में. जैसे कि एग्जांपल के तहत यहाँ पे बताया जा रहा है, इफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इन अ कंपनी इज 100, एग्जांपल को जरा ध्यान दो. एक कंपनी के शेयर की वैल्यू अगर 100 रुपए है एंड अ मेंबर हैज पेड रुपीज 60 पर शेयर, और एक मेंबर ने 60 रुपए पर शेयर ऑलरेडी पे कर दिए हैं, तो कंपनी के लिए वो लायबल कितना है? सिर्फ 40 रुपए के लिए. ही इज लायबल टू कंट्रीब्यूट ओनली 40 ऑन द शेयर. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन पार वैल्यू एंड द अमाउंट एक्चुअली पेड. तो जो पार वैल्यू कितना है 100 रुपए एंड अमाउंट एक्चुअली पे कितना गया 40 रुपया, तो डिफरेंस कितने का हो गया, सॉरी पार वैल्यू है 100 रुपए और अमाउंट पे किया गया 60 रुपए, तो डिफरेंस हो गया 40 रुपए. 40 रुपए ही
वो पे करने के लिए लायबल होगा उस कंपनी को। ठीक है, आई होप कि आपको लिमिटेड लायबिलिटी समझ में आ गया होगा। इसको भी कर ही लेते हैं। चलो, इन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू सच एन अमाउंट एज द मेंबर्स मे अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो जब भी कोई कंपनी बंद हो रही होती है ना, तो मेंबर्स के बीच में आपस में एक डिसीजन हो जाता है कि इतने रुपए तक जो है हम लोग लॉसेस को झेलेंगे या फिर इतने रुपए तक की हमारी लायबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे एक तरीके से गारंटी दी जाती है कि जब भी कंपनी बंद होगी तो कंपनी के एसेट्स होंगे उसको मद्देनजर रखते हुए एक गारंटी के तहत जो है कंपनी को स्टार्ट किया जाता है। तो वो गारंटी जैसे ही खत्म हो जाएगी या फिर वो गारंटी जैसे ही एक तरीके से वॉइड होने लगेगी तो कंपनी जो है वो बंद हो जाएगी, है ना। तो एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बाय द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, है ना, गारंटी किया जा रहा है बाय द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू सच एन अमाउंट, एक अमाउंट के तहत एज द मेंबर्स मे अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी, है ना। जो कि मेंबर्स होते हैं अपने एसेट्स जो उनके हैं कंपनी के अंदर उसका एक वैल्यू तक वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उतना ही उनकी लायबिलिटी होती है, उतना ही उनकी एक तरीके से क्या बोलूं लायबिलिटी होती है, है ना। तो गारंटी लिमिटेड बाय गारंटी हो गया ये। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं अगले वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगा जहां पे मैं एक एग्जांपल के तहत बचाऊंगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन कर लेते हैं। A company is an artificial person, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी जो होती है वो हमारे तरह ही एक पर्सन है जो कि एक लॉ के तहत उनको बनाया जा रहा है। वो कभी भी मरती नहीं है, एक कंपनी कभी नहीं मरती है, व्यक्ति मर जाते हैं लेकिन कंपनी कभी भी नहीं मरती है। ऐसे बहुत सी कंपनीज हैं, जैसे कि टाटा ग्रुप का नाम ले लो, टाटा ग्रुप को स्टार्ट किसने किया था, बहुत पहले जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी भी वो कंपनी चल रही है, वो तो अभी नहीं है, तो कंपनी उनकी अभी भी चल रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो है वो कभी मरती नहीं है जब तक कि उसको साथ में मिल करके उसको बंद ना किया जाए। अ कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट टू एग्जिस्ट irrespective of changes or membership of the company, है ना। तो कंपनी में membership changes होते रहते हैं लेकिन वो कंपनी जो है कभी भी बंद नहीं होती या फिर कंपनी में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता, कंपनी बंद नहीं हो सकती, मतलब ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। The death or insolvency of an individual member does not in any case affect the corporate existence of the company. अगर किसी एक member की death हो गई या फिर वो insolvent हो गया, वो पैसे दे नहीं पा रहा है, वो चला नहीं सकता और business, उससे company का कुछ लेना देना नहीं है, उसका company का existence के ऊपर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ता है। कॉमन सील के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कंपनी का अपना एक कॉमन सील होता है। एज यू नो दैट अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन नॉट साइन इट्स नेम एंड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय इटसेल्फ, है ना। एक कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, वो अपने साथ ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, सो इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ अ सील। तो इन दैट केस उनको एक सील की जरूरत पड़ती है जिसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। अ कॉमन सील इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर इट्स सिग्नेचर, एक सील जो है उस कंपनी के सिग्नेचर के सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल की जाती है। एनी डॉक्यूमेंट नॉट हैविंग द कॉमन सील ऑफ अ कंपनी इज नॉट ऑथेंटिक एंड इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। कोई भी डॉक्यूमेंट सपोज कंपनी के द्वारा इश्यू किया गया और कंपनी का सील उसके ऊपर नहीं है, कंपनी का कोई कॉमन सील उसके ऊपर नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो ऑथेंटिक नहीं है, ना ही कंपनी उसको मानने को बाध्य होगी, है ना। तो कॉमन सील का ये इंपॉर्टेंस है। ट्रांसफरेबिलिटी बाय शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। द शेयर ऑफ अ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, किसी भी कंपनी का जो शेयर होता है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। अ मेंबर कैन सेल एंड बाय इट्स शेयर्स इन द ओपन मार्केट, ओपन मार्केट में कोई भी मेंबर अपने शेयर्स को बाय या फिर सेल कर सकता है। दिस फैसिलिटी प्रोवाइड्स लिक्विडिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी, है ना। ये जो फैसिलिटी है ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है इन्वेस्टमेंट के नाम पे। दिस राइट टू ट्रांसफर शेयर इज एन एब्सोल्यूट राइट एंड कैन नॉट बी टेकन अवे बाय अ प्रोविजन द आर्टिकल्स ऑफ अ ऑफ द कंपनी, है ना। अब ये जो राइट है ये बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट है, मतलब ये आपको मिलना ही है, किसी भी तरीके से इस प्रोविजन को हटाया नहीं जा सकता। कोई अगर आर्टिकल भी नया आप ऐड कर दोगे कंपनी अकाउंट में, कंपनीज एक्ट में, फिर भी इसको आप हटा नहीं सकते क्योंकि ये एब्सोल्यूट राइट होता है। ठीक है, बट द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी कैन डिस्क्राइब द मैनर इन विच द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विल बी मेड, लेकिन कंपनी जो आर्टिकल्स ऑफ कंपनी है वो ये जरूर डिस्क्राइब कर सकती है कि किस तरीके से शेयर्स को ट्रांसफर किया जाएगा, चाहे वो लोग ओपन मार्केट में सेल करें या किसी और को ट्रांसफर करें, तो उसको ट्रांसफर करने का एक प्रॉपर तरीका होगा, वो डिस्क्राइब किया हुआ रहता है आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में। लेकिन किसी भी आर्टिकल में ये मेंशन नहीं है या फिर ये मेंशन हो ही नहीं सकता कि ट्रांसफर आपके पास राइट नहीं है शेयर को ट्रांसफर करने का, क्योंकि राइट आपके पास है और ये एक एब्सोल्यूट राइट है, इसमें किसी भी तरह का बदलाव जो है वो नहीं होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट राइट, है ना, ये पूरा ही मैं कर दे रहा हूं। ओके, सेपरेट प्रॉपर्टी,
सेपरेट प्रॉपर्टी क्या होता है? तो अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, एक कंपनी जो होती है अपने मेंबर से अलग होती है, इट इज द ओनर ऑफ इट्स एसेट्स एंड बाउंड बाय इट्स लायबिलिटीज, एक कंपनी जो होती है उसके पास अपना एसेट होता है और वो उसकी लायबिलिटीज के जरिए बाउंड होती है कि उसको वो लायबिलिटीज जो है पे करने हैं, इट इज देयर फॉर कैपेबल ऑफ ओइंग इंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ इट्स प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। तो कंपनी जो होती है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो प्रॉपर्टीज को ओन कर सके, उनको एंजॉय कर सकते या फिर किसी टाइम पे आकर के वो उसको बेच सके। तो कंपनी जो है आपस में डिसाइड करती है, इसमें देखना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एक कंपनी खुद से तो नहीं कर पाएगी तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जो कि डिसाइड करेंगे हाथ उठा करके, जितने ज्यादा मेंबर्स किसी चीज के पक्ष में होंगे वही काम होगा, है ना। तो इस तरह की चीजें जो है कंपनी अपने नाम पे ही कर सकती है। Although the capital and the assets of a company are contributed by the shareholders, but they are not the joint owners of its assets, है ना? तो जो shareholder जो पैसे लगाते हैं, वो पैसे भले ही contribute कर रहे हैं, वो owner भी हैं उस चीज के, लेकिन वो joint owners नहीं हो सकते company के assets के। Company का shares आपके पास है, but company के assets के आप owner नहीं बन सकते। तो कंपनी आपस में कंपनी जो है ये डिसाइड कर सकती है कि उसने किस प्रॉपर्टी को रखना है, किस प्रॉपर्टी को सेल करना है ना। तो ये अधिकार कंपनी के पास होता है। सो वी कैन से दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी कंपनी की है वो शेयर होल्डर्स की कंपनी नहीं है, बट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक व्यक्ति है वो अगर कुछ गलत काम करता है तो दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर केस कर सकता है ना, या जिसके ऊपर आपने केस किया है आपको पता है कि आप गलत नहीं हो, दूसरा व्यक्ति जिसने आपके ऊपर केस किया है वो गलत है, तो आप उसको भी सू कर सकते हो, उसके ऊपर भी आप केस कर सकते हो। उसी तरीके से एक कंपनी जो है वो किसी और कंपनी को केस कर सकती है, या फिर कोई और कंपनी इस कंपनी के ऊपर भी किसी भी तरह का क्लेम कर सकता है। सिंस अ कंपनी एंजॉयज द स्टेटस ऑफ ए आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन बी सूड एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जहां पे हम लोगों ने मीनिंग ऑफ कंपनी एंड इट्स फीचर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, जो स्पेशल फीचर्स होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया भाई तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो ताकि उनको भी पता चल पाए कि वीडियोस जो है बननी स्टार्ट हो गई हैं आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। राशि सर काफी मेहनत कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप भी मेहनत करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को आगे की तरफ बढ़ाएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।